की, जो कि इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर आज मैंने एक पोस्ट पढ़ा कैसे हैं आप सभी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज छत पे ही हैं हम, छत से ही शुरुआत हो रही है और मम्मी यहाँ पे मनी प्लांट्स काट रही हैं। जगह चेंज कर रही हूँ, देखते हो कितने निकले हैं। ये देखो, ये मोगरा है, इसकी कटिंग लगाओगे? कटिंग लगाऊंगी, लगाने के 15 डेज बाद इसमें से रूट्स आ जाएंगे तो इसको दोबारा बड़े पॉट में ट्रांसफर कर दूंगी। कोई भी पौधा लगाने के लिए ना बरसात का जो सीज़न होता है, अभी बारिश का रेनी सीज़न में आप लगाओ तो बहुत ही अच्छा। हमारा अरी का पाम भी हेल्दी हो चुका है, ये पूरा ब्राउन हो चुका था बिकॉज धूप में रख दिया था इसको, अब भूल गए थे बहुत ज़्यादा ना। अभी इन्हें ज़्यादा धूप भी नहीं पसंद और ज़्यादा छाँव भी नहीं पसंद। छाँव में इसकी ग्रोथ नहीं होगी और धूप में ये जल जाएगा, तो 1-2 घंटे की धूप होनी चाहिए, बाकी शेडी एरिया में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। वैसे इंडोर भी है, हाँ डायरेक्ट सनलाइट ना भी हो तो इंडोर भी होता है अरीका पाम। इसी पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कम से कम 15 होंगे, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, और ये यहाँ पर हमारा खाद बन रहा है, कंपोस्ट बना रहे हैं हम। सारे पौधे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, तो डे बाय डे बड़ा ही होता जा रहा है और काफ़ी डर लगता है मुझे। और यहाँ पे बहस हो रही है मम्मी कह रही है गोलू को शॉर्ट वीडियोस बना दे। और गोलू भैया तो छत से आने के बाद मम्मी ने क्या किया, क्या कर रहे हो मम? नारियल की चटनी बनाऊंगी और इडली। मन का इसका ना अलग से एक वो बना लो, छोटा सा वीडियो शॉर्ट्स टाइप में। नहीं कोई बात नहीं। तो नारियल की चटनी कैसे बन रही है? नारियल को अच्छे से पीसेस में कट कर लिए, ऊपर की स्किन हटा दी है, और धनिया क्या क्या डाल रहे हो? हरी मिर्च, धनिया और नमक। धनिया थोड़ा ही था और तो इसीलिए थोड़ा सा डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि नारियल जो है पानी बहुत एब्जॉर्ब करेगा। रिलीज भी तो करता है। नहीं इतना नहीं करेगा। और यहाँ पे बैटर तैयार है, सूजी और दही को मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी एकदम थिक है उसकी। क्या क्या डाला है बैटर में? इसमें डाला है 2 कप सूजी, 1 कप दही और थोड़ा सा नमक डाल के इसको रेस्ट पे। पानी नहीं डाला? हाँ मिक्स किया है, मतलब पानी से मिक्स किया है। चलो इसको पीसती हूँ। ये देखो, इडली स्टैंड होने के बावजूद ये पता नहीं कौन सा ये धंधा सीखा है इन्होंने। क्या है ये कटोरी में इडली बनाना? पता है मैंने थाली का भी धंधा सीखा। थाली और कटोरी में कौन इडली बनाता है? इडली स्टैंड इतने इतने से है। हाँ। उसको गोलू को दूंगी तो कम से कम वो नहीं तो 20 खाएगा। हाँ। तो कितने ट्रिप में बनेगा वो? तो ये कटोरी क्यों बना है? 6 खा लेगा खत्म। कितना सुंदर है। और एक तो थाली में बनाती हूँ मैं, याद नहीं है, प्लेट में। फिर आप और गोलू भैया खाना। बेटा स्वाद से मतलब है, शेप से क्या करना है। चलो अब बनाओ, और मुझे भी दो जल्दी भूख लगी है। बस 5 मिनट हो गए, बहुत अच्छे से कुक हुआ है ये। और आप लोगों को अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है हम लोगों का ब्लॉग तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो। यहाँ ब्रेकफास्ट मिल चुका है मुझे, और क्या है ये, नारियल की चटनी, काफ़ी थिक हो चुकी है ये तो, और इडली जो कि इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट करके और ये और कटोरी कितना वाली। ही सॉफ्ट है ये देखो, देख रहे हो आप लोग ऐसे ही बोलते हो मेरे एक्सपेरिमेंट को। और ये देखो मैं आपको एक बाइट खिलाती हूँ। ओके आप खाओ, आप खाओ। मैं कैसे पूजे खा सकती हूँ। ओके बहुत टेस्टी, इसको खिलाऊंगी। बोलो इसका मुंह देखना जरा कैसा होगा। इडली भी अच्छी है, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। चलो खाते हैं। हाँ खाते हैं जल्दी से। फोन को रखिए साइड में,
जल्दी से हटाइए फोन, खाना शुरू करो और मुझे भी खिलाते रहो। यहाँ जरा मौसम देखा जाए, ये मौसम इतना अमेजिंग हो रखा है, बहुत ही अच्छा। और टाइम कितना हो रहा है, 12 भी नहीं बजे हैं और ऐसा लग रहा है रात हो रही है। बिल्कुल। और चाय पिया जा रहा है? चाय पी के मैं खत्म कर चुकी। ओके। अब खाना पीना, उसके बाद आप लोगों का तो हो ही गया ब्रेकफास्ट, हमारा अभी सफाई बाकी है। यस सर, ये देखो बेल हमारी कितनी ज्यादा हिल रही है ना, बहुत तेज हवा है। अच्छा तो नहीं, जंगल हो गया है, है दो, दो, दो दो मधुमक्खी के वो हो गए, एक तो छोटी वाली भी है और एक येलो वाली है। ओके। दिखाया आपने? शो करा ली। खाई चुकी हूँ, बारिश भी हो रही है, फोन में बूंदे गिरेंगी, इससे पहले आप फूल तोड़ लीजिए। यहाँ पे फूल तोड़ा जा रहा है और इतने सारे फूल हैं, मुझे उधर बहुत डर लगता है। किसी से? अरे मधुमक्खी। नहीं नहीं, अभी बारिश में तो ऐसे चिपक जाएंगी। ये देखो ये अब बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है मम्मी बारिश। नहीं देखो, तेज नहीं। अरे हो जाएगी स्टार्ट। अभी मैं आई थी पता झाड़ू लगाने, हाँ। पत्ते उधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, उनका छोड़ो कल लगाऊंगी। अच्छा, इसमें आज कितने हैं पता है? कम से कम 20। ओहो, सामने वाली आंटी कह रही थी मैंने तो पूजा कर ली दीदी, नहीं तो मैं भी ले लेती। फोन में पानी गिर। यहाँ एक हमारी मम्मी के पास कोई काम नहीं रह जाता है घर में, तो ये छत पे झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। बड़े मामा सही कहते हैं कि ये साफ घर को साफ करती रहती हैं। हाँ, दोनों माँ बेटी मिलके, लेकिन मैं तो फिर भी कम हूँ, इनके पास कोई काम नहीं रह जाता तो अब ये छत पे झाड़ू लगा रही है। छत कितना साफ है, एक दो पत्ते तो रहते ही हैं, इतने पेड़ पौधे हैं तो हर दूसरे दिन छत पे झाड़ू। बारिश का मजा लोगी सोनी? इसको देखो, तू भी झाड़ू लगा, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, तो मैं भी जा रही हूँ बारिश में। और मम्मी यहाँ कान्हा जी की, आज मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि कृष्णा जो नाम ही है वही आपको कनेक्ट कर देता है कृष्णा जी से, तो आपको पूजा एंड ऑल करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप नाम ले सकते हो कृष्णा और डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाओगे उनसे। और छत पे इतनी मस्ती करने के बाद हम आ गए नीचे और नहा चुके हैं सारे के सारे। मम्मी कर रही हैं पूजा, बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया आज, बारिश ने तो अमेजिंग मज़ा ही दिला दिया। तो ऐसे ही मैं कैमरा ऑन कर लूँ सबको हंसी आ जाती है। शाम हो गई है और टाइम कितना हो रहा है वहाँ? 5 बज रहे हैं। पापा के लिए चाय बना रही हैं मॉम, ये रही पापा के लिए चाय बना रही है मॉम, और मैं खा रही हूँ यहाँ पे इडली। सुबह से इडली खा रही हूँ मैं और इसी प्लेस पे बैठ के। ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 इडली बच गई थी तो मैंने सोचा मैं और मम्मी इसको निपटा दें, है ना? नहीं, मेरा भी था कि मैं इडली और सांभर ना लंच में भी चला दूं, बट यहाँ पे हमारे बच्चे जो है बिना भात, पापा बिना भात, कुछ भी नहीं, इन्होंने भात चाहिए, भात भी बनाया। मैं असलियत बताऊंगी, देख मैं लिया था दादू, ये सांभर के साथ चावल इन्होंने बनाया था
सांभर रोटी नहीं अच्छा लगता। सांभर रोटी कौन खाता है? सांभर के साथ तो चावल ही तो खाते हैं। सांभर खा सकते थे ना हाँ। तो इसलिए इन्होंने चावल बनाया था। तो इडली खाने का एक और तरीका, चटनी लो और चटनी को आप अच्छे से इडली पे स्प्रेड कर लो, क्योंकि चटनी बहुत टेस्टी बनी है तो हम ज़्यादा ज़्यादा चटनी लगा देंगे, ऐसे जैसे हम ब्रेड पे चौको स्प्रेड करते हैं, न्यूटेला स्प्रेड करते हैं ऐसे ही। और लगाना हो तो और लगा लो, है ना। और इसे उठाएंगे और मिनी पिज़्ज़ा बना के, यस अभी केशु कहेगा मिनी पिज़्ज़ा अभी कमेंट सारे हाँ, इसे खा लो और इसे आप डायरेक्टली खा लो। Let roll up to the party, roll up, roll up.